महिलाओं की तकलीफ होती है हाइजीनिक लेके, और बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो नायाब कह सकते हैं, उस टाइप के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं मिलेगा। इतनी शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट है, तो आज बहुत ही शानदार जानकारी एक अच्छे ट्रेनर आरती मैम के द्वारा मिलना है हम सभी को। तो मैं जरूर आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप सभी बिल्कुल मन से यहाँ रहे। आपके साथ इनवाइट करता हूँ आज किशोर की ट्रेनर अर्चनी पाटनी जी को, आई मैम, और आप के द्वारा आज महत्वपूर्ण जानकारी हम सब को मिलने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सभी को, जय आरसीएम जय जी। मैं आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, रेनी सीजन अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, सो आज जैसा आपने बताया और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जो सचमुच में है बहुत छोटी कैटेगरी, राइट, लेकिन वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है हमारे हमारे आउटफिट्स पे, हमारी जिंदगी पे, राइट। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कैटेगरी, यानी आज हम बात करने वाले हैं एसेसरीज के बारे में। सो उसके प्रोडक्ट्स ना होते छोटे छोटे हैं, लेकिन वो सभी प्रोडक्ट्स अगर हमारे ड्रेस कोड या अगर हमारे जिंदगी में अवेलेबल ना होना, तो हमारा आउटफिट या फिर हमारा आप बोल दीजिए कि हमारी जो छोटी छोटी चीजें है वो पूरी नहीं होती है उसकी वजह से। सो आज हम उस पर बात करने वाले हैं जो हमें एक पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप देने में हमारी मदद करती है। सो एसेसरीज कुछ ऐसी चीज है जो, या ऐसी कैटेगरी है जो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करती है और बहुत अच्छी तरीके से आपके आउटफिट के साथ और साथ ही साथ आपके छोटे छोटे जो पार्ट है उनके साथ आपको फुलफिल करने में आपकी मदद करती है। सो इसके साथ ही मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो मुझे बस एक बार थम्स अप करके बता दीजिएगा कि स्क्रीन विजिबल है कि नहीं। ओके, ठीक है, क्या आपको सभी को मेरी स्क्रीन जो है वो हाँ, विजिबल है? दिखने लगा मैम। ओके, सो आज हम बात करने वाले एसेसरीज के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया, एसेसरीज एक ऐसी चीज है जो भले ही हमें छोटा छोटा जो प्रोडक्ट है वो दिखता है, लेकिन जब तक ये ना होना तो हमारा जो आउटफिट है या फिर हमारी जो जिंदगी है, इनके वजह से या ये नहीं हो तो हमारी जिंदगी बहुत अधूरी सी है, राइट। भले आप कैजुअल बेल्ट ले लीजिए, सो जब तक आप इसको अपने फॉर्मल अटायर्स के साथ या आप अपने जो ड्रेस कोड है उसके साथ आप नहीं वेयर करते, तो आपकी जो ड्रेस है, आपका जो फॉर्मल अटायर है वो अधूरा सा लगता है। सो ये हमारे लिए एक बहुत ज्यादा बेसिक नेसेसिटी है जो हमें हमें लेनी है, और हमें अच्छे से इसके ऊपर अच्छे से हमारा ड्रेस अटायर जो है हमें इस पे कंप्लीट करना है। वहीं जब हम वॉलेट की बात करें, सो आज वॉलेट सबके पास, ये राइट, ये तो रेगुलर यूज आने वाला प्रोडक्ट है, सभी की पॉकेट्स में आपको ये वॉलेट मिलेंगे। सो वॉलेट हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा जो मनी है हम वो इसी वॉलेट के अंदर सेव करते हैं। सो ये जो वॉलेट है ये बेसिक नेसेसिटी है जो हमें रेगुलरली यूज आ सकता है और रेगुलरली हम इसको यूज भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके प्रूफ, आइडेंटिटी प्रूफ रखने के लिए, आपके मनी रखने के लिए, आपके फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखने के लिए आप ये प्रोडक्ट, ये जो वॉलेट है आप इसे बेसिकली यूज कर सकते हैं और अपने अचायर को एक फुलफिलमेंट आप उसको कर सकते हैं। वहीं अगर हम सॉक्स की बात करें, सो एंकल सॉक्स हो गया, फॉक्सी कॉटन सॉक्स जो हो गए, ये सभी भी आपके शूज के लिए रेगुलरली आप वेयर करते हैं, आप रेगुलरली अपने अटायर्स के साथ, अपने फुटवेयर्स के साथ इनको वेयर करते हैं। सो ये कुछ ऐसे रेगुलर यूज आने वाले प्रोडक्ट है जो हमें रेगुलर बेसिस पे यूज आते हैं। साथ ही जब हम टाई एंड कफलिंग्स की बात करें, तो ये हमारे जो आउटफिट्स है या ये हमारे जो फॉर्मल्स अटायर है उनको और ज्यादा बेहतरीन लुक देने में हमारी मदद करते हैं। तो ये जो जब हम टाई की बात करें, जब हम फॉर्मल्स अटायर जब हम वेयर करते हैं, जब हम प्रेजेंटेशंस में जाते हैं, हम मीटिंग्स में जाते हैं, जैसे आप सभी लोग यहाँ पे हैं अपने एकदम फॉर्मल अटायर्स के साथ, तो ये जो टाई एंड जो कफलिंग्स है ये बहुत ज्यादा आपको इस पे एक रिच लुक देने में
में, आपको एक बेहतरीन और एक बोल्ड लुक देने में आपकी मदद करते हैं। साथ ही साथ ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और ज्यादा बूस्ट करने में भी आपकी मदद करते हैं। सो जब हम कभी मीटिंग्स में जा रहे हैं और जब हमने टाई कफलिंग सब कुछ एकदम फॉर्मल अटायर जब हमने वेयर किया है, सो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ना भले ही पहले लूज हो रहा होगा, लेकिन जब आप ये अटायर वेयर कर लेते हैं, जब आप टाई और कफलिंग्स अपने साथ आप वेयर कर लेते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो उतनी डबल स्पीड से बूस्ट होता है, राइट। सो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपका ना सिर्फ कॉन्फिडेंस बल्कि आपकी मीटिंग में भी चार चांद लगाने में आपकी मदद करते हैं। अब हम जब आगे बढ़ते और बात करते हमारे जो किड्स है, अभी अभी हमारे जो बच्चे हैं वो न्यूली अभी जुलाई का जो सेशन है वो स्टार्ट हुआ है, वो लोग अभी स्कूल जाना उन्होंने स्टार्ट किया है, सो उनके लिए ये जो बैग्स है वो बहुत ज्यादा बेहतरीन रूप से उनकी मदद कर सकते हैं। सो बैग्स यहाँ स्कूल बैग्स अवेलेबल है, बैकपैक्स अवेलेबल है आप लोगों के लिए, ताकि आप ट्रेवल फ्रेंडली भी काफी आसानी से इस पे जा सके। और जैसा हम हमारे स्कूल के बच्चों के लिए यानी कि हमारे किड्स की अगर हम बात करते तो वो ये जो हमारे स्कूल बैग्स है उनको आसानी से अपने अटायर्स पे अपने यूनिफॉर्म्स पे लगा के अच्छे से वो अपना सारा जो बुक्स है वो उसमें रख के अच्छे से अपनी स्कूल वाले जो डेज है उनको भी अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। सो जब हम स्कूल बैग की बात करें तो देखिए आप कितने प्यारे इनके पिक्चर्स है, उतने ही प्यारे ये बैग्स भी है, राइट। सो ये बैग आपको एक अलग ही बोलते ना एक अलग ट्रेंडी से जो बैग्स है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे हमारे बॉयज हो, सो गर्ल्स के लिए एक अलग आप देख सकते हैं डिज्नी प्रिंसेस, हमारे बॉयज जो है उनके लिए एवेंजर्स, सो ऐसे ऐसे गेम्स और ऐसे फन लविंग क्रिएचर्स वहां पे रहते हैं ताकि बच्चे अट्रैक्ट और उन बैग्स में अपने बुक्स रख के वो काफी आसानी से स्कूल जा सके। सो उनके वो स्कूल वाले जो मुश्किल दिन है जो बैग्स में उनके बुक्स होती है उनको काफी आसानी से हैजल फ्री होके वो अपने आप को लेके जा सकते हैं, अपने बैग्स को लेके जा सकते हैं, एकदम ट्रेंडी कार्टून डिजाइन और बहुत ही ईजी तरीके से उसको कैरी कर सकते हैं वो लोग। सो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में ये अवेलेबल है और काफी अच्छी तरीके से वो अपने सारे बुक्स को रख के इसके अंदर अच्छे से रख के अपने स्कूल की जो जर्नी है उसे इंजॉयबल और उसे एकदम ईजी गोइंग बना सकते हैं। वही जब हम आगे बढ़ते सो यहाँ पे बैकपैक्स आप लोगों के लिए अवेलेबल है हर तरह के, सो आप प्रोफेशनल बैग्स ले लीजिए, राइट, या फिर आप हमारे जो ट्रॉली बैग्स है आप वो ले लीजिए। इनको आप अच्छी से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसमें रख के अपना जो बैग है प्रोफेशनल बैग जो है आप उसको आसानी से ले जा सकते हैं। और वहीं जो बैकपैक्स हमारे जो है यानी कि आप ट्रेवल्स में इनको काफी इजीली इनको यूज कर सकते हैं, राइट। तो जब हम बात करते हैं हमारे प्रोफेशनल बैग्स की तो उसमें आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी इम्पोर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट्स आपके इम्पोर्टेंट पेपर्स वो आप सभी रख के और अपनी जो ट्रेवल वाली जर्नी उसको भी इजी बना सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो बैकपैक है आप इनमें अपना सारा सामान काफी इजिली रख के अपने ट्रेवल वाली जो जर्नी है आप उसको भी काफी इंजॉयबल बना सकते हैं, काफी अच्छे से आप अपना सामान जो है इसके अंदर कैरी कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट डिफरेंट बैग्स है ताकि आप इस पे काफी इंजॉय और साथ ही साथ आप इनमें अपना अच्छे से अपना जो लगेज है आपको भर के अच्छी तरीके से आप अपनी ट्रेवल वाली जो जर्नी और साथ ही साथ आप कभी पास में भी या फिर आप अपने ऑफिस में भी इन बैकपैक्स को जो ऑफिस प्रोफेशनल बैग्स है आप इनको लेके अपने ऑफिस में भी काफी आसानी से इन सामान को लेके जा सकते हैं। वही जब हम आगे बात करें ट्रॉली बैग्स की जो थ्री पीसेस में अवेलेबल है, सो आप इन ट्रॉली बैग्स को आप ले आप ट्रेवल्स पे आप ट्रिप्स पे आप वेकेशंस पे अच्छे से इनको लेके जाए अपना सारा लगेज आपके सारे जो क्लोथ्स है आपके जो फुटवेयर्स है आप आसानी से इसमें रख के और अपने आप आसानी से अपना ट्रेवल वाली जो जर्नी है उसको इंजॉय करके अपने लिए काफी अच्छा भी आप इसको बना सकते हैं, राइट। सो ये आपके लिए डिफरेंट डिफरेंट एसेसरीज जो है वो आप लोगों के लिए अवेलेबल है ताकि आप अपनी जो जर्नी है और साथ ही साथ आपके जो किड्स की जो जर्नी है उनके आप अच्छे से इंजॉयबल भी बना सकें। सो यहाँ पे हम जब बात करते हैं नोटबुक और पेन की, राइट, सो हमारे जो अभी बच्चे हैं हमारे जो किड्स है जो न्यूली स्कूल जाने लगे हैं और जो जुलाई का सेशन है जैसे आप जानते हैं कि नया जो सेशन स्टार्ट हुआ है सो उनमें इन बुक्स को लेके इन पेन्स को लेके वो काफी एक्साइटेड रहते हैं। सो किड्स जो है वो काफी एक्साइटेड रहते हैं और आप देख सकते हैं ये जो नोटबुक है वो उनमें भी
डिफरेंट डिफरेंट बच्चों को अट्रैक्ट करे, इस तरीके के क्रिएचर्स वहां पे बनाए गए, इस तरीके के कार्टून है, ताकि वो अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में और ज्यादा फोकस कर सके। साथ ही साथ पेन उनके लिए अवेलेबल है, इस काफी अच्छा ग्रिप है पेन का, ताकि वो अपना सारा होमवर्क जो है अच्छे से कंप्लीट कर सके और बच्चे इजिली अपनी जो जर्नी है, अपनी जो स्कूल की जो जर्नी है उसको अच्छे से कंप्लीट कर सके, अच्छे से स्टडीज कर सके इन नोटबुक और पेन की मदद से। सो ये जो कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जो उन्हें काफी अट्रैक्ट करते हैं और अपनी उनकी स्टडीज में और ज्यादा उन्हें मदद करते हैं, ताकि वो अच्छे से स्टडीज करे, अच्छे से अपने सारी चीजें फुलफिल कर सके। वही जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वाटर बॉटल्स की, सो डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉटल्स जो है, स्टाइलिश वाटर बॉटल्स अवेलेबल है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया अभी ऐसा सीजन है ना कि जुलाई का मंथ जो है वो स्टार्ट हुआ है और बच्चे जो है हमारे वो वेकेशंस के बाद स्कूल जाने लगे। सो ये बॉटल्स उनके लिए काफी मदद कर सकती है, काफी बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए, वो इस वाटर बॉटल में अपना वाटर लेके अपने स्कूल्स में आसानी से जा सकते हैं। साथ ही साथ बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग बॉटल्स है, स्लिम है एकदम, आप देख सकते हैं जैसे स्टाइलिश बॉटल्स है, और साथ ही साथ लीकेज प्रूफ है, यानी कि इसमें से कोई भी, आप देख सकते हैं कि कोई भी इसमें जो है इनका जो वाटर बॉटल है वो काफी स्पेसिफाइड और काफी ब्यूटीफुल तरीके से आप लोगों के सामने है। सो ये काफी इजीली, इनका जो कैप है वो बहुत अच्छा है, जिससे बिल्कुल भी लीकेज होने के चांसेस नहीं है, और साथ ही साथ इन ये बॉटल्स को आप फ्रिज में स्टोर करके भी अपने लिए रख सकते हैं, और साथ ही साथ आप अगर ट्रेवल्स पे जा रहे हैं तो आप ट्रेवल पे भी अपने ये बॉटल्स लेके जा सकते हैं, और अपनी जो ट्रेवल की जर्नी है उसको आप काफी अच्छी तरीके से इंजॉय भी कर सकते हैं। सो ये कुछ ऐसे बॉटल्स है जिनमें डिफरेंट डिफरेंट शेड्स अवेलेबल है, डिफरेंट डिफरेंट बॉटल्स अवेलेबल है, ताकि आप लोग और अच्छी तरीके से आपकी जो ट्रेवल वाली जर्नी है वो भी आप इंजॉय कर सकते हैं। हमारे जितने स्टूडेंट्स है वो भी इन बॉटल्स को आसानी से कैरी करके अपने स्कूल में लेके जा सकते हैं, और अपने स्कूल में भी काफी ट्रेंडिंग वो अपने आप को दिखा सकते हैं, काफी डिजाइनर, काफी स्टाइलिश जो बॉटल है वो अपने आप को भी दिखा सकते हैं। वही जब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लंच बॉक्स की, सो लंच बॉक्स जैसे हम भी मैंने बताया कि स्टूडेंट्स भी इनको काफी आसानी से लेके जा सकते हैं, अपना जो लंच है, अपना जो फूड है, जो सबसे ज्यादा स्कूल में हम लोग सबसे ज्यादा जब जिसका इंतजार करते हैं वो हमारा लंच टाइम होता है कि कब लंच होगा और कब हम लंच करेंगे, राइट। सो वो लंच भी, लंच बॉक्स भी उनके लिए काफी अट्रैक्टिव सा है, ताकि वो अपना जो लंच है, बच्चे जो छोटे होते हैं राइट, उनको क्या होता है कि उनकी जो सारी चीजें है ना वो एकदम स्टाइलिश हो, एकदम डिजाइनर, और साथ ही साथ वो अपना लंच भी इजिली कर पाए। सो दोनों चीजें उनमें से, वो दोनों चीजें काफी आसानी से करके अपने आप में इंजॉय भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये लंच बॉक्सेस अपने ऑफिसेज लेके जा सकते हैं, और ऑफिसेज में भी आप अपना लंच जो आप करते हैं वो काफी आसान तरीके से इन लंच बॉक्स की मदद से आप अपना सारा जो फूड है वो बहुत ही आसान तरीके से लेके जा सकते हैं, ताकि आप लोग का फूड जो है वो अच्छे से प्रिजर्व भी रहे, और साथ ही साथ आपका जो लंच बॉक्स है वो भी आपका एकदम प्रिजर्व रहे, आपका फूड प्रिजर्व रहे, और आपके लंच बॉक्स से कोई भी दिक्कत आप लोगों को ना हो। सो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, सारी एक्सेसरीज जैसा मैंने बताया कि दिखती भले ही छोटी छोटी है, लेकिन ये चीज ना होना हमारी जिंदगी में तो हमारी जिंदगी इनके बिना, इन प्रोडक्ट्स के बिना थोड़ी अधूरी है। सो यही प्रोडक्ट्स है, हम इनको यूज करके अपने अचायर्स को भी और साथ ही साथ अपने स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रंस है उनको भी काफी इजिली हम ये दे सकते हैं, ताकि वो अपनी स्कूल वाली जर्नी भी है जो बहुत अच्छी तरीके से इंजॉय कर पाए। सो ये सारी चीजें, ये सारे प्रोडक्ट काफी आसानी से आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी इजीली आप इन पे अपना जो भी आपका जो जर्नी है उसे भी आप इंजॉयबल बना सकते हैं। जैसे अभी आपने बताया ट्रेवल जर्नी जो आप लोगों की है वो भी इजीली इन प्रोडक्ट की मदद से काफी इजी हो जाती है, जैसे कि आप ट्रेवल में जा रहे हैं आप वाटर बॉटल्स लेके जा सकते हैं, आप अपने ट्रॉली बैग्स अपने साथ लेके जा सकते हैं, और अपना जो लगेज है उसे एकदम सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने लंच बॉक्सेस में अपना लंच पैक करके, अपने जो भी आपका फूड है उसे पैक करके आप जर्नी में भी बहुत ही आसान तरीके से इनको लंच भी कर सकते, और साथ ही साथ हमारे जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है वो भी बहुत ही इजीली अपने इन सभी अपने इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके काफी इजी तरीके से अपने सारी चीजें वो लोग यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि नोटबुक का, पेन का,
क्योंकि यही एक चीज है, यही एक प्रोडक्ट्स है जो हमारे स्टूडेंट को सक्सेस होने में उनकी मदद करते हैं। सो इन प्रोडक्ट्स को हमें हमारे चिल्ड्रन, यानी कि जो नोटबुक है या पेन है, इनकी मदद से ही आज हम इतने सक्सेसफुल हो पाए, राइट। सो ये हमें हमारे चिल्ड्रंस को ज्यादा से ज्यादा देना है, ताकि वो अच्छे से इसे इसे गैदर करें, अच्छे से कैच करें और सारी चीजें बहुत ही आसान तरीके से कर पाए। सो मैं यही अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी लोगों से आशा करती हूँ कि सभी लोगों ने अच्छे से ये जो छोटा सा हमारा पार्ट था एसेसरीज का उससे अच्छी तरीके से समझा होगा। जय आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी पाटनी मैम, आपने बहुत ही कम टाइम में प्रोडक्ट की ब्रीफ में जानकारी दी और हम लोगों को काफी फायदा हुआ, सीखने को सभी साथियों को मिला। और अगले कड़ी में हम रिस्पेक्टेड सर को आप सब के शानदार ताली के बीच इनवाइट करते हैं कि सर आप आए। शुक्रिया। जय आरसीएम, सभी साथियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और बहुत ही आपको अद्भुत खुशी महसूस हो रही होगी, क्योंकि आपके तो कहते हैं कि फैक्ट्रियां, रोज फैक्ट्रियां खुल रही है, ऐसा ऐसा एक फील आ रहा है कि जिन प्रोडक्ट्स पर हम बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे तो आज ध्यान जा रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी काम करने के लिए हमें बहुत कुछ खजाना मिल रहा है। कल जो साथी हरित संजीवनी को बिल्कुल भूले हुए बैठे थे तो हरित संजीवनी के रूप में खजाना मिला। आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट के जो जैसे बैग है या जो हमारे एसेसरीज है, हमारे जो प्लास्टिक के जो कुछ प्रोडक्ट्स थे, स्टेशनरी थी, ये सब चीजें भी हम सभी लोग यूज तो करते ही, ये खरीदते भी है, तो इनके माध्यम से हम अपना काम और बेहतरीन बढ़ा सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक वही फील एक आना चाहिए कि हमें काम करने के लिए और नए कुछ सब्जेक्ट मिलते जा रहे हैं। इन प्रोडक्ट्स को आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो मिलते नहीं है, हमारे पिकअप सेंटर में मिलते नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, पर आपको मैं एक बहुत अच्छी जानकारी दे देता हूँ और जो आप सबको पता होना चाहिए और उस जानकारी को इस्तेमाल आपको करना ही करना है। आज संकल्प में वो एक सब्जेक्ट रहेगा, आपको ऑनलाइन परचेज करना बहुत जरूरी है अभी, क्योंकि सारे प्रोडक्ट फिजिकल रूप से हो सकता नहीं रहते हो आपके अंडरवर्ल्ड पे, पिकअप सेंटर पे, लेकिन ऑनलाइन के माध्यम से उन प्रोडक्ट्स को मंगाया जाता है, मंगाया जा सकता है। ऑनलाइन ऑर्डर आपको करना होता है पीयूसी अंडरवर्ल्ड के थ्रू, आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, उनके थ्रू ऑर्डर करना होता है। इस प्रोसीजर को समझना और इस प्रोसीजर को यूज करना बहुत जरूरी है। ये जो प्रोडक्ट आपको दिखाए गए, ये तो सारे मैं देख रहा था तो बहुत सारे प्रोडक्ट इतने सुंदर लग रहे थे कि बड़ी एक इच्छा सी पैदा होती है कि यार ये तो प्रोडक्ट होना चाहिए। तो ये प्रोडक्ट तो सारे ऑनलाइन में मिलते ही है, इसके अलावा सारे गारमेंट्स, फुटवेयर या की सोल के प्रोडक्ट, तो बहुत बड़ी श्रृंखला है जो आपको ऑनलाइन में मिलती है। अगर इस ऑनलाइन से हम चूक रहे हैं तो हम बहुत कुछ चूक रहे हैं। तो हम अपने लिए, अपने अन्य कस्टमर्स के लिए, हम अपने डाउनलाइन के लिए इन सारे प्रोडक्ट को मंगा सकते हैं ऑनलाइन से भी। अगर फिजिकल कहीं मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप ऑनलाइन ऑर्डर देकर ये जो आपने देखे, और इसके अलावा पूरी रेंज, बहुत बड़ी रेंज है, गारमेंट्स की रेंज है, बहुत बड़ी की सोल की रेंज है, फुटवेयर की बहुत बड़ी रेंज है, अभी बहुत शानदार शानदार फुटवेयर वगैरह आ रहे हैं, तो आज तो आपको नहीं दिखाए गए हैं, पर ये सारा इसको समझना है। कोई भी साथी जिसको ऑनलाइन ऑर्डर का अच्छा अनुभव हो, पहले हम उसको बुलाना चाहेंगे, वो अपना अनुभव शेयर करेगा कि ऑनलाइन ऑर्डर कैसे दिया और कितना अच्छा उसको लगा, कैसे उसको प्राप्त हुआ। ये थोड़ा सा हम पहले एक दो साथियों से अनुभव सुनेंगे तो ये जानकारी सबको मिल सकती है। तो एक बार जिनको ऑनलाइन ऑर्डर देने का अच्छा अनुभव हो वो एक बार हैंड रेज करेंगे। पहले पहले से हैंड रेज उसको मैं लो कर देता, पहले से हैंड रेज कर रखा उनको लोअर कर दीजिए।
अब सभी साथी जो ऑनलाइन का जिसको एक्सपीरियंस हो ऑनलाइन ऑर्डर का वो हैंडल करेंगे। जितेंद्र जी, बीरेन ठाकुर जी सर आप आए। बीरेन ठाकुर सर जी सर, अभी ऑनलाइन ऑर्डर से मैंने ये ऑप्शन सर पिकअप सेंटर वंडर वर्ल्ड ऑनलाइन पिक में आया हुआ है, और वहां से मैंने सर जूता, मैंने शू का, उसके बाद मैंने जीन्स का के जो ऑर्डर लगाया सर, बहुत जबरदस्त वहां पर जो कलेक्शन है तो बहुत ही वाजिब मजा आ गया सर। और मैंने जीन्स का ऑर्डर लगाया है, मैंने शर्ट का ऑर्डर लगाया है, और कई साथी का मैंने सर उसके साथ बैठ करके ऑर्डर लगवाया है। वो ऑर्डर का प्रोडक्ट कहाँ आया थोड़ा अच्छी तरह से बता दीजिए, कैसे ऑर्डर लगाया, कहाँ ऑर्डर आया, आपको कैसे प्राप्त हुआ? जी, अभी मैंने ऑर्डर लगाया पीक वंडर वंडर पीक से सर, मैंने ऑर्डर लगाया था हेड ऑफिस सर। जी, प्रोडक्ट कहाँ आया? अभी उपलब्ध नहीं आया सर, वो तो पिकअप सेंटर वंडर क्विक में ही आएंगे सर, वहां से ही प्राप्त होगा ये प्रोडक्ट। चलो बहुत बढ़िया है, एक बार ऐसे साथी के लिए सर जिसको चुपका है वो आए, थोड़ा सा फिजिकल हैंडल्स करें, जिसको मतलब पूरी प्रोसेस मतलब प्राप्त। अभिज्ञान है, मनीष कुमार शर्मा है, अभिज्ञान का तो खुद का ही अंडरवर्ल्ड है, तो मनीष कुमार सिंह का अनुभव सुनते हैं। चलिए मनीष जी आप आए सर। जी धन्यवाद सर, और मैं भी सर पिकअप सेंटर हूँ, मेरा भी पिकअप सेंटर है, तो मैंने पीयूसी से ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था, जो ऑर्डर टू एड ऑफिस ऑप्शन आता है, तो उससे जो कीस्टोन के प्रोडक्ट कुछ अवेलेबल नहीं थे डिपो में, तो मैंने वो डायरेक्ट सेंट्रल डिपो से ऑर्डर किया। बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ आया सर, मतलब सेफ्टी का बड़ा ख्याल रखा जाता है, 3-4 तरीके की पैकिंग उसमें रहती है ताकि कोई भी प्रोडक्ट हमारा टूटे ना या खराब ना हो, तो ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि कुछ भी। आज मनीष कुमार, आज जितने भी पीयूसी वंडरवर्ल्ड धारक यहाँ पर हैं, आज उनका संकल्प, उनको ये संकल्प लेना है कि हम आने वाले हमारे पास जो भी एसोसिएट बायर्स आते हैं उनको हम ये बताएंगे चलाकर कि आप ये जो प्रोडक्ट दिख रहे हैं इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोडक्ट का आप ऑर्डर देकर मंगा सकते हो, ये सुविधा उपलब्ध है, आप बताओगे नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा। तो हम सबको ये संकल्प लेना है, केवल कोई मांग रहा है तो दे दिया वो नहीं, आप चला के लोगों को बताइए, अपने मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए लोगों को कि आप ऑनलाइन से हमारे थ्रू आके बहुत सारे प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, है ना? जी सर, सर बिल्कुल, मैं संकल्प लेता हूँ आज कि जो भी वंडरवर्ल्ड क्विक पर आएंगे मेरे कस्टमर या डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैं उनको ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जरूर बताऊंगा। मैंने आज भी सर एक व्यक्ति को टी शर्ट चाहिए था, तो मैंने उनको ऑनलाइन अपना दिखा करके उनको मैंने ऑर्डर लगवाया, तो सर ऐसे ऐसे आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, हमेशा करता हूँ सर, आगे भी करता रहा। एक टी शर्ट का जब ऑर्डर लगाया तो उसको ये बोलने का था ना कि एक क्या मंगाते हो, कुछ और भी मंगा लो, एक तो सामान नहीं सर, बाकी आ ही रहा है इतनी दूर से, तो साथ में कोई बैग वगैरह कुछ भी और भी ले सकते हो, मार्केटिंग थोड़ा ना ये सेल्समैनशिप होनी चाहिए हम सब में, पीयूसी वंडरवर्ल्ड वालों के पास तो विशेष चाहिए। और लोगों को लो सर, हाँ एक एक करके ले लो सर, अभिज्ञान जी आप। हाँ शुक्रिया सर। सर मैं ये संकल्प लेता हूँ कि वीकली कम से कम 5 अपडेट्स मैं रखूंगा ऑनलाइन डिलीवरी के अपने कस्टमर्स के लिए। जो मैंने सर अपना वंडरवर्ल्ड क्विक का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और उसका QR कोड यहाँ पे लगा रखा है, और जो भी व्यक्ति यहाँ पे आएगा उसे मैं इन्वाइट करूंगा इस वंडरवर्ल्ड क्विक के व्हाट्सएप ऐप को ज्वाइन करने के लिए। और जैसा कि सर अभी आपने सजेशन दिया कि एक प्रोडक्ट जब हम बताते हैं उसके साथ और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, तो सर उसकी लिस्ट हमेशा अपने साथ में रखूंगा कि क्या क्या नई चीजें हैं, जैसे फीमेल्स के लिए कुछ नई जो लॉन्च हुई है कीस्टोन की लिपस्टिक, नेल पेंट, मेड लिपस्टिक, तो उनका फीमेल्स को वैरायटीज चाहिए होती हैं, तो वो तभी हमें देके ऑर्डर कर सके। तो हर हफ्ते कम से कम मैं 5 अपडेट डालूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और जो लोग एक्टिव हैं, एसोसिएट बायर एक्टिव हैं, उनको पर्सनली कुछ जो स्पेशल लॉन्च होते रहेंगे उन्हें मैं व्हाट्सएप करता रहूंगा। शुक्रिया। अपने को ना एक ऐसा लक्ष्य लेना चाहिए कि जितनी सेल हम प्रोडक्ट रखकर कर रहे हैं उतनी की उतनी सेल हमारी ऑनलाइन से हो जाते हो सके, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसमें थोड़ा एफर्ट डालने पड़ेंगे,
हम अभी क्या है कि केवल कोई आ गया तो हम उसको डील करते हैं, पर हम अपनी साइड से एफर्ट नहीं करते हैं इस तरह का। स्पेशल एफर्ट करो, खूब प्रचार प्रसार करो, खूब कोशिश करो, उनको समझाओ, अच्छी सर्विस दो, ये सब एक लक्ष्य लेना चाहिए हमें। जी सर, पर एक बार में फिर भी एक पहले अनुभव में सुनना चाह रहा था कि किसी ने प्रोडक्ट मंगाया, क्या मंगाया और कैसे मिला उसको, कितने दिन में मिला, क्या अनुभव रहा, वो मैं जानना चाहता हूँ। जी सर, जय आरसीएम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ प्रवीण जी आ रहे हैं। मैंने लगभग 7-8 ऑर्डर हो चुका है मेरा। गुजरात में वंडरवर्ल्ड क्विक है बिल्लीमोरा और रानकुआ में, तो मेरी टीम में और जो भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक है पीयूसी के, उन सभी को मैंने एक ग्रुप बना रखा है और ग्रुप में सबको अपने एप्लीकेशन से जो फोटो आते हैं वो फोटो सबको भेजता हूँ। अगर आप नंबर और साइज सिलेक्ट करके मुझे बताएंगे तो ये प्रोडक्ट आपको अवेलेबल हो जाएगा, और ऐसा हो भी रहा है और मैं मंगवा भी रहा हूँ। शुरुआत किशोल के प्रोडक्ट से हुआ था, आज फुटवेयर भी ले रहे हैं, गारमेंट भी ले रहे हैं, और वो जो अपना जो पैंट शर्ट का जो टी शर्ट वो सब भी सब मंगवा रहे हैं। और मैं संकल्प लेता हूँ कि आपने जैसे बताया हर हफ्ते में 2-3 बार इसको और मैं फॉरवर्ड करूंगा और लोगों को जानकारी दूंगा। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। निरंजन राज, मैं भी सर ऑनलाइन प्रोडक्ट में बहुत मंगाया था सर, और उसका जो प्रोसेस था सर कि उसको हम लोग ऐड टू कार्ट में जाके उसको ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट को जैसे ही सर ऐड करते हैं तो मतलब वहां पे साइज वगैरह सेलेक्ट करने का ऑप्शन देता है। अगर हम लोग साइज को सेलेक्ट करते हैं तो वो क्वांटिटी मांगता है कि आपको एक पीस चाहिए या दो पीस चाहिए। उसको जैसे ही हम लोग उसको ऐड करते हैं तो सबमिट हो जाता है सर, और सबमिट होने के बाद क्या होता है कि वो पीयूसी का नाम पूछता है या वंडर वर्ल्ड क्यूब का नाम पूछता है। तो जो पीयूसी का हम एड्रेस डालते हैं तो वही पीयूसी पे हमको रिसीव होता है सर, और मैंने मंगाया और पीयूसी से ही रिसीव किया सर। जैसे ही पीयूसी पे आता तो मेरा नाम से वो आता है, और वहां पे जैसे ही अपना आईडी नंबर बताते तो मेरे आईडी पे बिल भी कट जाता है सर, और मेरे को रिसीव हो जाता है सर। थैंक यू सर, नमस्कार सर। जितेंद्र चौरसिया जी। थैंक यू सो मच सर। जय आरसीएम, तेलुगु जी को भी प्रणाम, और आपको भी सर और बाकी टीम को। सर ऑनलाइन एक्सपीरियंस बहुत शानदार शुरुआत से रहा मेरा, ऐसा नहीं कि जो आप शुरुआत हुआ आज से पहले भी, और मुंबई टीम से मैं बिलोंग करता हूँ, तो भिवंडी डेपो जो है वो कहीं ना कहीं मेरे नाम से फेमस है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑर्डर्स मैंने ऑनलाइन ही किए हैं मैक्सिमम। और अभी जैसे ही कपड़ों बच्चों के कपड़े लॉन्च हुए किड्स वेयर, तो मैंने अभी रिसेंटली लगभग 8,000 रुपये के ड्रेसेस मंगाए हैं बच्चों के किड्स वेयर में, अलग अलग सारी वैरायटीज के, और ऑनलाइन ऑर्डर मैंने पीयूसी से किया अपना वंडर क्योंकि भिवंडी का है, उनके साइट से हमने लॉगिन आईडी पासवर्ड डाला और उनका प्रोडक्ट सिलेक्शन किया मैंने, क्वांटिटी सेलेक्ट किया, एड्रेस चेंज किया मैंने, एड्रेस अपने घर पर मंगाया मैंने, मेरा जो प्रोडक्ट है मेरे घर पर आया हुआ है, क्योंकि उसमें ऑप्शंस होते हैं कि आप पीयूसी पर मंगाना चाहते हैं, वंडर वर्ल्ड क्विक पर मंगाना चाहते हैं या घर पर मंगाना चाहते हैं, तो एड्रेस अगर आप अपडेट कर देते हैं अपना तो ये प्रोडक्ट घर पर आता है एक्चुअली। तो अब तक मैं 2 या 3 बार ऑर्डर कर चुका हूँ, पहले भी इससे पहले भी 300 प्रोडक्ट मंगाए थे मैंने, तो मेरे सारे प्रोडक्ट मेरे घर पर ही आए आज तक, पहले भी और अभी भी। तो इस बार भी सर कपड़े की वैरायटी बहुत शानदार है, और कल ही आते ही मैंने पूरा एक फोटो खींचा हुआ उसका नीचे जमीन पर रख कर, लगभग 9 कपड़े हैं मेरे ख्याल से टोटल बच्चों के मिला के उसमें, और उनके स्टेटस पर डाला है मैंने, तो एक इंक्वायरी भी आ गई ना कि ये प्रोडक्ट कैसा है, क्या रेंज है, कैसे है। मैंने ठीक है मैं कॉल करके बताता हूँ आपको, तो ये फायदा हुआ ऑनलाइन का, और अब तक एक्सपीरियंस बहुत शानदार है और ये चलता रहा। और सर संकल्प की बात है तो पहली बार संकल्प यहाँ पर ले रहा हूँ, हालांकि माफी चाहता लिखा नहीं डायरी मैंने अब तक क्योंकि मैं यहाँ आकर बैठ गया, लेकिन संकल्प ले रहा हूँ कि सर महीने में 4 लोगों का ऑनलाइन ऑर्डर में खुद पर्सनली हेल्प करके उनसे जरूर करवाऊंगा उनका सर, ये गारंटी है सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, देखिए हाँ एक अच्छा संकल्प लिया है इन्होंने कि 4 लोगों का भी ऑर्डर कराएंगे, खुद की जो अंडरवर्ल्ड या जो भी है उसका तो ऑर्डर करेंगे ही करेंगे, और 4 डिस्ट्रीब्यूटर का भी ऑर्डर कराएंगे। ये तो रामकृष्ण राणा जी, आप कुछ चलो आपकी बात पहले सुन लेते हैं फिर मैं। जी हाँ रामकृष्ण जी आप आइए। जम्मू से मैं हूँ सर, मेरा भी अनुभव है, 3 बार डिलीवरी मैंने ली है और बहुत अच्छा अनुभव है। 2 बार मैंने अथंजा के प्रोडक्ट मंगाए हैं, और अभी रिसेंटली मैंने एक ट्रॉली बैग मंगाया है
जो कि बड़े इजी है और बहुत आराम से बहुत कम टाइम में मिल जाता है। मेरा जम्मू में 15 दिन के अंदर अंदर मेरा ट्रॉली बैग अभी रिसेंटली आया। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी वंडर वर्ल्ड वंडर क्विक वालों से कि वहाँ पे जब कोई भी हमारा बायर जाता है वो कोई प्रोडक्ट मांगता है जो उनके पास अवेलेबल नहीं होता, जिसका ऑप्शन हमारा ऑनलाइन में है, तो वंडर वर्ल्ड वंडर क्विक वालों से ये रिक्वेस्ट है कि वो उनको समझाएं कि भाई आप ऑनलाइन डाल दो, और अगर उनको समझ नहीं आता है तो उनको सिखाएं थोड़ा वहाँ कि ऑनलाइन डाल दें, हम आपको इमीडिएट वो प्रोडक्ट दिलवा देंगे और बहुत अच्छा तरीके से वो आ जाता है और टाइमली आ जाता है। धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात है। अब मैं कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूँ। एक स्थिति तो वो है कि जो पीयूसी वंडरवर्ल्ड अपने यहाँ रखने के लिए रखकर सेल करने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, वो तो एक स्थिति हुई, वो आपके यहाँ जितना बिक सकता है और जितना रखना चाहते हो आप मंगा सकते हो। पर दूसरी स्थिति है कि आपके यहाँ कोई आकर मांगता है कि ये वाला प्रोडक्ट चाहिए, और तो आपको ख्याल आता है कि चलो हम इसके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं, ये दूसरी स्थिति हुई। पर इन दोनों स्थितियों में हमारा कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग अपने फील्ड में, अपने यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर किसी भी टीम के, सबके यहाँ खूब प्रचार प्रसार करो, उनको एजुकेट करो कि आप लोग हमारे थ्रू इतनी सारी विस्तृत रेंज है, क्या गजब की रेंज है, उसका ऑर्डर कर सकते हो और डिलीवरी या तो आप मेरे यहाँ भी आ सकती है और आपके यहाँ घर पे भी आ सकती है, क्योंकि डिलीवरी का जैसे हमारे साथियों ने ऑप्शन बताया कि डिलीवरी घर पे भी आ सकती है। आईडी नंबर का बिल भी वगैरह का क्या सिस्टम है वो तो मुझे भी ज़्यादा आइडिया नहीं है, पर मुझे ये पता है कि पीयूसी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है, तो क्यों नहीं हम इसको एक बड़े व्यापार के रूप में प्लानिंग करें, जहाँ हमको बहुत ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी है, जहाँ हमारी ये रिस्क नहीं है कि मैं 10 टी-शर्ट मंगाऊंगा तो उसमें से कितनी बिक जाएगी और कितनी रह जाएगी, मैं वो सारी रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आपको, आपको जस्ट सर्विस देनी है और ये एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया जा सकता है। ये तो पीयूसी वंडरवर्ल्ड वालों के लिए हुआ मैसेज। अब जो बाकी साथी जो एसोसिएट बायर्स सुन रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ, आप सबके लिए ये सुविधा उपलब्ध है कि आप अपने नज़दीकी पीयूसी वंडरवर्ल्ड पर के थ्रू पसंद आप कर लें और के थ्रू आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, तो आप इतनी सुंदर सुंदर बेहतरीन चीज़ें आप मंगा सकते हैं। बहुत बड़ी रेंज आरसीएम के पास, ओथेंजा है, फुटवेयर है, गारमेंट्स है, कीसोल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप सभी इन चीजों को, क्योंकि हमें 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है और रोज तो कहीं बहुत दूर जाके नहीं खरीद सकते हैं, हमें घर बैठे प्रोडक्ट भी चाहिए, तो ये एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, इस सुविधा का भरपूर उपयोग करें। कोई बात नहीं समझ में आ रही हो तो अपने यहाँ नजदीकी पीयूसी अंडरवर्ल्ड पर जाकर समझ लें, उनको भी नहीं समझ में आ रही हो तो आप कंपनी से या लीडर से या किसी से भी जिससे भी बात करके और इस सिस्टम को समझाएं। अब मैं आता हूं लीडर्स के, लीडर्स से बात करना चाहता हूं। लीडर्स को ये सारी चीजों की विस्तृत जानकारी होनी चाहिए और उनको इस बात का प्रमोशन करना चाहिए कि आपके टीम में आने वाले पीयूसी वंडरवर्ल्ड इस विषय पे अच्छी तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे तो उनको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि ये रियल बिजनेस है, ये रियल बिजनेस है, तो उनको सिखाएं, फील्ड में अपनी सभी साथियों को बताएं पूरा का पूरा सिस्टम। तो अब संकल्प क्या क्या लेंगे, जो पीयूसी वंडरवर्ल्ड है वो तो ये संकल्प लेंगे कि मैं अब चलाकर प्रचार करूंगा, जो भी मेरे यहाँ कुछ भी सामान खरीदने आएगा तो उसको मैं आगे होके बताऊंगा कि आप ऐसे ये बहुत सारी रेंज है, बहुत बढ़िया बढ़िया रेंज आई हुई है, ये भी आप ऑर्डर कर सकते हो, खूब ध्यान देंगे इस विषय पे, व्हाट्सएप के द्वारा आप वो भेजेंगे। ये तो हो गया पीयूसी वंडरवर्ल्ड के लिए संकल्प। बाकी साथियों के लिए संकल्प हो गया कि हम अब इस वीक में कोई न कोई एक ऑनलाइन ऑर्डर जरूर करूंगा, चाहे वो एक वस्तु का हो चाहे 5 वस्तु का हो, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो,
पीयूसी के थ्रू, ताकि आपको पूरा सिस्टम नॉलेज में आए, ठीक है। और लीडर अपने हिसाब से संकल्प लेंगे। तो अब संकल्प की शुरुआत कर देते हैं हम। काजल शर्मा। धन्यवाद सर। सर मैं दो प्रकार के संकल्प लूंगी, एक तो अपने WWQ जो वंडरवर्ल्ड क्विक है उसमें सर जितने भी साथी आएंगे उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर का तरीका बताऊंगी, क्या नए प्रोडक्ट्स हैं वो बताऊंगी। और सर मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, 1,00,000 से ज्यादा का मैंने ऑनलाइन ऑर्डर मंगाया है, फुटवेयर की बहुत अच्छी रेंज है। और सर मैं दिखाती हूँ, जैसे एक 4 नंबर चप्पल है तो वो व्यक्ति उसी की 6 नंबर मंगाते हैं, तो सर मैंने ऑनलाइन ऑर्डर का एक्सपीरियंस भी किया है, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। एक एक लिपस्टिक को इतने अच्छी तरीके से पैक करके दिया जाता है, तो सर बहुत खुशी हो रही थी कि आरसम का ये नया रूप देख के। और सर दूसरा संकल्प मैं लूंगी, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर मैं हर वीक कम से कम 2 ऑनलाइन ऑर्डर अपनी टीम से करवाऊंगी, अपने साथियों से करवाऊंगी। थैंक यू सर। वेरी गुड। चलिए दिनेश सिन्हा। सर मैं सर इस हफ्ते सर मैं खुद सर एक ऑनलाइन सर ऑर्डर सूज मंगाऊंगा सर अपने लिए, और साथ में सर अपने टीम के जितने भी साथी हैं सर उसमें कम से कम सर मैं 5 साथियों को ऑनलाइन के लिए सर इस हफ्ते उसको करूंगा सर ऑर्डर करूंगा सर। सत्य प्रकाश सैनी जी। गुरुदेव मैं भी संकल्प लेता हूँ कि मैं भी जो है कुछ 2-4 प्रोडक्ट ले करके मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगा, अब हर माह जो है 2-4 प्रोडक्ट ऑनलाइन जरूर मंगवाऊंगा सर। बहुत अच्छा। रामकृष्ण राणा जी, पहले आपने अनुभव बताया, आप संकल्प बताएंगे। पहला संकल्प आज मेरा ये रहेगा सर कि आज से हर दिन मैं ऑनलाइन की बात पूरी टीम में करूंगा। दूसरा संकल्प ये रहेगा कि सर 1 ऑर्डर इस महीने फिर से अपना ऑनलाइन डालूंगा और हर महीने कोशिश करूंगा ऑनलाइन। वेरी गुड। विमल प्रामाणिक जी। सर धन्यवाद। और जी सर ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि उसमें क्या प्रोडक्ट मिलता है नहीं मिलता है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इससे पहले मैंने ऑर्डर किया था लेकिन अभी प्रेजेंटली ऑर्डर नहीं किया है, अभी प्रेजेंटली अपने लिए कुछ प्रोडक्ट ऑर्डर करूँगा। ऐसे भी जूता हो गया, मैं जूता ऐसे भी मेरे को लेना ही था तो वो ऑनलाइन भी लेंगे। और जो संकल्प मैंने लिखा है सर, जितने भी एक्सेसरीज प्रोडक्ट है उसका मैं खुद जानकारी लूंगा, स्टडी करूंगा उसको ऐप के थ्रू, देन प्रमोट ऑनलाइन ऑर्डर इन एवरी मीटिंग। जितने भी मेरे मीटिंग्स होते हैं वो सारे मीटिंग से सर मैं ऑनलाइन ऑर्डर का प्रमोट करूंगा, और एक्सेसरीज जितने भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट के बारे में भी सर जानकारी दूंगा हर एक मीटिंग में। और ऑनलाइन ऑर्डर सर हर हफ्ता मैं 2 व्यक्तियों का ऑनलाइन ऑर्डर करवाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। वेरी गुड। मुरली मनोहर रजक जी के लिए। हम पीयूसी से सर 200 सामान मंगाए थे लेकिन समय थोड़ा ज्यादा लगा, नहीं 10 दिन के लगभग समय लग गया लाने में। पीयूसी से जाकर के लिए, मोबाइल से जाकर के चेक कराए दिखाए, उसके बाद ऑर्डर नोट किए, 10 दिन के बाद सामान मिला। और एक ऑर्डर और किए हुए हैं टिफिन खाना बॉक्स का, लंच का, उसमें भी अभी नहीं आया है, 10 दिन का समय ले गया गया है। और मैं महीना में 5 बो शपथ लेता हूँ कि 5 यानी प्रत्येक महीना ऑर्डर कराऊंगा ऑनलाइन। बहुत बढ़िया। महेंद्र जी। मैं इस हफ्ते अपने लिए सूट ऑर्डर करूंगा और अपने टीम के सभी को ऑनलाइन ऑर्डर करने के तरीका सिखाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। जमीरुद्दीन जी, आप आए सर। थैंक यू सर। मैंने भी कुछ दिनों पहले ऑनलाइन एक टी शर्ट और एक कभी कभी हम के मौके पर भी लगा रहते हैं, तो दिल तो चाहता है कि हम आरसीएम के सारे सामान को बाजार से लेते थे, लेकिन ये मेरी गलती है, मैं स्वीकार करता हूँ और संकल्प लेता हूँ कि ऑनलाइन के माध्यम से सारे त्योहार में अब कपड़े मेरे घर में आरसीएम के ही आएंगे, ये मेरा संकल्प है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। निकिता जी।
थैंक यू सो मच सर. मैं संकल्प लेती हूँ कि इस हफ्ते मैं अपने लिए एक ब्लैक ब्लेजर ऑनलाइन ऑर्डर करूंगी और ऑनलाइन ऑर्डर सिस्टम को अपने टीम में भी प्रमोट करूंगी. जब हम फील्ड में जाते थे तो पूछते थे लोग हमको कि इसमें होम डिलीवरी सिस्टम है कि नहीं, तो बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं इस चीज की जानकारी के लिए. थैंक यू सो मच. बहुत बढ़िया. हाँ जंजाल जी. सर मैं संकल्प लेता हूँ कि मेरे लिए सूज और अंडरगारमेंट का ऑनलाइन मंगाऊंगा. और सर ये डिस्प्ले वाल पे ऑनलाइन कारोबार नहीं हो सकता? अभी वो शायद प्रोसेस नहीं है, अभी वंडर वर्ड पे सुन लीजिए जी. रितु पांडे दीदी. संकल्प रखती हूँ कि अब हफ्ते में ऑनलाइन होने से अच्छा है कि अब हम लोग कुछ भी पसंद आएगा तो तुरंत मंगा सकते हैं. तो फिर मेरा बेटा बहुत अच्छी हमें बात करी, मेरा बेटा प्रेप पे में है, उसके लिए बैग लेने मैं पीयूसी गई थी लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े बैग थे तो मैंने कहा कि अरे अब हमें बैग तो लेना ही है लेकिन हम और कहीं से लेना नहीं चाहते हैं. हम जब आरसीएम कर रहे हैं तो हम आरसीएम का ही हर प्रोडक्ट लेंगे. उसके बाद फिर कहीं अच्छा एक हफ्ते बाद आइएगा तो मिल जाएगा. फिर हम गए वहाँ नहीं मिला तो मैंने पूछा कि क्या ऑनलाइन हो सकता है इसका, तो बोले कि हाँ हो सकता है, आप एक दो हफ्ते बाद बताएंगे. लेकिन मजबूरी में हमें मार्केट से लेना पड़ा लेकिन हम बिल्कुल बेकार सा बैग लेकर के आए कि मुझे आरसीएम का ही लेना है. तो सर बहुत अच्छा लगा, अब मैं होम डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा लगा, अब मैं घर पे ही ऑनलाइन ऑर्डर कर सकती हूँ सर. और कुछ ना कुछ हर हफ्ते मैं मंगाती रहूंगी, अपनी टीम में प्रमोट करूंगी इसको सर. थैंक यू सर. हाँ वर्षानी जी बहुत बढ़िया दीदी, अब वो मौका मिल रहा है. हाँ वर्षानी जी. जी सर. आप अनम्यूट है सर. जी मैं सर मैंने भी अगर कई बार अगर ऑनलाइन सामान मंगाया था और पहले तो डिपो पे आता है, डिपो के बाद पीयूसी पे आता है, उसके बाद हमको मिलता है. और इस महीने में अपने सूज और ट्रॉली बैग 100% मंगाऊंगा ऑनलाइन सर, ये मैं संकल्प लेता हूँ. अभी आप बता रहे हो ना वो सिस्टम वैसा नहीं है, अभी पीयूसी पे सीधा आता है कोरियर. नहीं सर, पहले वहां से आगे बाद डिपो पे आता है, डिपो बाद पीयूसी पे आता है सर. ये कई बार आया था, मैंने मंगाए थे 2-3 बार. कौन से मसाली में? मैं कांसल से बात कर रहा हूँ, यूपी से. पहले हाथरस आता था मथुरा पर डिपो पे, फिर उसके बाद पहले तो राम राज्य था ना दशरथ. परसाने जी सर का कहने का मतलब है जो पहले के प्रोसेस था उसमें काफी परिवर्तन हो चुका है, अब टाइमली डिलीवर हो रहा है. जी 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 समझ गया. ठीक है सर, थैंक यू. थैंक यू सर, अब बहुत जल्दी हो रहा है. ठीक है सर. हाँ निरंजन जी. और मैं भी सर इसी महीने से मैं शुरुआत करूंगा ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगवाने. मैं तो काफी प्रोडक्ट मंगाया था मगर बीच में मैं ऑनलाइन नहीं मंगा रहा था, मगर इसी महीने से सर मैं शुरुआत भी करूँ और अपने टीम में सर ऑनलाइन को सिखाऊंगा कैसे ऑनलाइन प्रोडक्ट आता है, उसके मैं टीम की जानकारी दूंगा सर. बहुत बढ़िया. ऑनलाइन ऑर्डर सभी और वापिस अच्छी तरह से सुन लें, ऑनलाइन ऑर्डर होता पीयूसी कोड से ही है, कोई अपने कोड से चाहेंगे तो वो नहीं सिस्टम, पीयूसी कोड से होता है. लेकिन आप अपने लिए ऑर्डर पीयूसी के मार्फत कर सकते हैं, डिलीवरी आपके अपने यहाँ भी हो सकती है, पीयूसी पे भी हो सकती है वो. आप दूसरी चीज वो जो अभी कह रहे थे ना, वो पुराना सिस्टम नहीं है अभी, अभी कंपनी के पास पूरा सॉफ्टवेयर है. अगर कोई डिले हो रहा है, लेट हो रहा है तो कंपनी को पता है कौन सी डिलीवरी कितने दिन में जा रही है, सब पता है कंपनी के पास, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है. कोई अगर लेट हुआ तो और टाइमली हुआ तो सब कंपनी को सब कुछ पता है. अभी पहले वाला सिस्टम नहीं है, जब भी तो आज प्रोग्राम में अपन बात कर रहे हैं. आपको सारी चीजें समझनी है, आपको अनुभव लेना चाहिए, इतने बड़े व्यापार का स्कोप को छोड़ना नहीं चाहिए. और हम जो अच्छे कैसे दिखेंगे, प्रस्तुति योग्य कैसे बनेंगे, जब आरसीएम के वेशभूषा के साथ और आरसीएम के बैग वगैरह सब चीज आरसीएम की होगी और तिंजा की होगी, तो इसको समझना है ना. चलो आगे और संकल्प. राम सिंह आसन जी आप आए सर. हाँ सर, पहले मैं ऑनलाइन मंगाता था और बीच में सब छोड़ दिया, लेकिन अब मैं संकल्प लेता हूँ कि कम से कम हफ्ता में एक ऑनलाइन मैं खुद मंगाऊंगा और टीम से भी इसको सिखाऊंगा कि ऑनलाइन कैसे मंगाया जाता है, ये मैं संकल्प ले रहा हूँ. थैंक यू सर. बहुत बढ़िया सर.
पहले मंगाते थे क्या था वो आपको ये करना है, आज सर जो बता रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन जो है जी, पहले जो मंगाते थे वो बात छोड़ दो, पहले था फिर हमने भी बीच में स्टॉप कर रखा था, हमने पूरा सिस्टम डेवलप किया, उसको अच्छे से टीम बनाई, बहुत बड़ा सिस्टम है इसका, अब आप आराम से कर सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया हो गया सर, क्योंकि ऑनलाइन का व्यापार सर दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है और हम इससे बड़ा होता है, यही बात समझने की है, इसको हमें प्रैक्टिस। जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ लल्लू प्रसाद जी, लल्लू प्रसाद आप आए सर। जी सर, पहले हम लोग जो है लोग कहते थे कि आपके कंपनी में क्या क्या है दिखा नहीं पाते थे, तो बहुत अच्छी सुविधा हो गई कि लोगों को ऑनलाइन प्रोडक्ट दिखा करके, और लोग नहीं जाते थे लेने तो अब उनको दिखा करके ऑनलाइन बुक करके उनको दे सकते हैं। इससे हम लोगों का लगभग इस हर महीने हम 5000 बिजनेस वैल्यू का ऑनलाइन संकल्प लेते हैं कि प्रोडक्ट सेल करेंगे सर बहा के। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ रामफल साहू जी, भर्ती ऑनलाइन ऑर्डर बस इसी हफ्ते कर परसों, और टीम को भी ऑनलाइन खाऊंगा सर। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया सर। हाँ महादेव बर्मन जी, लिखना सब लोग डायरी में जरूर लिखो, यहाँ बोलने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डायरी में संकल्प जरूर होना चाहिए सर। इसको फिर दिखाते जाएं क्या, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चल पाएगा। बिल्कुल, जो दिखावे उनको तो अभी अब उन्हीं साथी को लिया जाएगा जो डायरी में लिखा रहेगा, तो डायरी थोड़ा दिखाएंगे और इसके पीछे हम ही आपको फायदा होना है, इसलिए डायरी में जरूर संकल्प डायरी में नोट करना है। और कल की मैं बता दूं सर, कल मैंने संकल्प लिया था हरी सजनी का, आज मैंने 10 एकड़ का सेल किया है, ये संकल्प की ताकत है। और अगर संकल्प नहीं लेता तो शायद उतना मेहता के साथ नहीं जाता, क्योंकि काम बहुत सारा बिजी था, उसके बाद भी मैंने गया था 3 किसानों से मिला था। तो ये ताकत है संकल्प का, आदरणीय सर जो कि भावना को हमको समझना है, हम इससे फायदा हम सबको होना है। तो चलिए उमेश सर जी, उमेश सिंह जी आप सभी अपनी डायरी, हाँ चलिए दिखाएंगे। जी सर, मैं लिख लिया हूँ डायरी में, मैं रोज 5 नए साथियों को ऑनलाइन ऑर्डर की जानकारी देने का संकल्प लेता हूं। यह काम प्रत्येक माह कम से कम 20 दिन सर करूंगा। मैं खुद प्रत्येक माह ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने का संकल्प लेता हूं। मैं प्रत्येक होम मीटिंग, वेलकम मीटिंग, काउंसलिंग मीटिंग, जूम मीटिंग या किसी भी तरह की मीटिंग में ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए पूरे टीम को प्रेरित करूंगा सर। ओवर टू यू। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हाँ अनीता दीदी आपने डायरी दिखाई है। थैंक यू भैया। इस वीक में जी, इस वीक में मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं अपनी गुड़िया के लिए एक ड्रेस मंगवाऊंगी सर ऑनलाइन पे। थैंक यू सर, धन्यवाद। और हाँ शांति कुमारी जी। जी सर, मैंने कभी ऑनलाइन ऑर्डर कपड़ा नहीं मंगवाया है सर, जितना भी दिखाया गया और रांची में अवेलेबल मिल जाता है सर, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए जो भी कपड़ा आया है सर मैं ऑनलाइन मंगवाऊंगी सर, और टीम को भी ऑनलाइन के लिए सलाह दूंगी सर। बहुत बढ़िया, जो भी संकल्प डायरी दिखाते जाए उनको फटाफट बुला लेते हैं, टाइम चूंकि लिमिटेड है, और आज से आदत डालना है कि हमको इस कार्यशाला में बैठते हैं संकल्प डायरी लेके ही बैठे। मनीष जी आप आए सर। जी सर, मैंने सर 3 संकल्प बनाए हैं। पहला है सर, मैं संकल्प लेता हूं कि कम से कम रोजाना 5 एसोसिएट बायर को ऑनलाइन ऑर्डर के बारे में जानकारी दूंगा, व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से या मिलकर। दूसरा मैंने लिया है, मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस सप्ताह कम से कम 10,000 परचेज वॉल्यूम के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करूंगा। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं अपने ग्रुप में 1 सप्ताह में कम से कम 5 लोगों का ऑनलाइन ऑर्डर करवाऊंगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया मनीष जी। और सुमन पंडित जी, दीदी आप आए। जी सर, जय श्री राम। सर मैं सुमन पंडित
ये संकल्प लेती हूँ कि सबसे पहले तो हम खुद ही मंगाए, और सर मैंने तो आज ऑर्डर भी किया है क्योंकि मैंने आज अपने नए साथी के घर पे आज डिस्प्ले वॉल करवाई है। कुछ प्रोडक्ट नहीं थे की सोल्व के, तो आज हमें लिस्ट बना के अपने पीयूसी सेंटर पे दे दिया सर। कुछ ही दिनों में हमारे वो लिस्ट का जो सामान हमने बोला है वो आ जाएगा। और सर मैं, मेरा दूसरा संकल्प है कि मैं अपनी टीम में कम से कम 4 लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर देने का बताऊंगी इसके बारे में, क्योंकि पहले लोग पूछते थे कि जब भी हम फील्ड पे जाते थे पहले तो लोग हमसे पूछते थे क्या ये प्रोडक्ट हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, तो लेकिन सर हमारे पास कोई जवाब नहीं होता था। तो लेकिन सर अब हमारी प्रॉब्लम इतनी सॉल्व कर दिया किसी सर ने कि उनका दिल से धन्यवाद है सर, कि सभी के लिए इतना अच्छा मौका मिल गया कि इस अब कोई सवाल करेगा तो उनके लिए हमारे सवाल से पहले हमारे पास जवाब आ गया सर। तो थैंक यू सो मच सर, और बहुत बढ़िया दीदी, बहुत अच्छा लगा सर जी। थैंक यू। सुनिए दीदी जी। नमस्कार सर, जय आरसीएम। और मैंने भी अपने संकल्प लिख लिए हैं, और मैं भी अब, पहले तो मैंने कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं करा है ऑनलाइन, और अब मैं जरूर से जरूर इसमें अपना ऑर्डर प्लेस करवाऊंगी, और मैं अपने साथ जो मेरे साथ नए लोग हैं मैं उनको भी अपने साथ साथ सिखाऊंगी और जरूर से जरूर ऑर्डर प्लेस करवाऊंगी सर। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया दीदी। राम शरण जी आप थोड़ा व्यवस्थित ड्रेस कोड पे आ जाए, हैंड ड्रेस किए हुए हैं आप। अमित कुमार साहू जी। जी सर, मैंने सर 5 सेट बॉयज और गर्ल्स का किड्स शो मंगवाया था, ऑर्डर करवाया था, और अब खुद ऑर्डर करूंगा और टीम को भी करना सिखाऊंगा सर। और दूसरी बात सर, किनोआ सेट्स जो है इधर बस्तर में नहीं पहुंच पा रहा है, उसको भी खुद से ऑर्डर करके उसको भी मंगाऊंगा सर। बहुत बढ़िया सर। सुभाष चंद जी, सुभाष चंद जी नेटवर्क शायद इशू है। योगेश यादव जी, योगेश जी। सर मैं हमारे जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी रोज ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाने के लिए सुझाव भी दूंगा और खुद जाकर के लाऊंगा। बहुत बढ़िया सर। नरेश नागर सर, फिर से सिद्धार्थ जी, बीके मिश्रा जी, बीके मिश्रा जी आप अनम्यूट हुए। जी सर, मैं ऑनलाइन ऑर्डर किया नहीं हूँ, अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करके खुद को प्रोडक्ट मंगाता हूँ, और जो जिसको भी है सब ऑनलाइन का देने का सलाह करता हूँ, ज्यादा से ज्यादा सर इसका प्रचार प्रसार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पूनम दीदी, सीमा दीदी, मैं भी अपने लिए साड़ी ऑर्डर करूंगी, और अभी मैंने केएसओ खोला है सर, तो क्या ये चीज केएसओ से भी ऑर्डर की जा सकती क्या सर? हाँ, केएसओ ऑर्डर कर केएसओ, अब वो क्या क्या कर सकते हैं ये पूछना पड़ेगा कंपनी में। जी जी, अगर अवेलेबल है तो आरसी बता सकती है जी। और आज ही मैंने ऑर्डर किया तो आज ही आया मेरे पास सर, 11 तारीख को मैंने ऑर्डर किया था तो आज ही मेरे पास प्रोडक्ट आया सर। बात करूंगी मैं अपनी पूरी टीम को भी इसके माध्यम से, जो यहाँ पे किसोल के जो प्रोडक्ट है अवेलेबल नहीं थे, मैं पूरे टीम को किसोल के प्रोडक्ट करवाऊंगी सर ऑनलाइन। बधाई दीदी, बहुत बढ़िया। होश राम सिंह जी। यस सर, इसी सप्ताह में ऑनलाइन मैं अपने लिए ऑर्डर करूंगा, और डेली कम से कम 2 लोगों ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए बताऊंगा। बहुत बढ़िया सर। गोपीनाथ जी। थैंक यू सर, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वो माल दो दिन में मेरा को डिलीवरी मिला, और मैं साड़ी भी ऑनलाइन में ऑर्डर की कर दिया, और मैं एक संकल्प लेता हूँ कि मेरे टीम में ये ऑनलाइन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बातचीत करूँगा, और इसके बारे में सबको अनुप्रेरित करूंगा।
थैंक यू सर। ये बहुत बढ़िया सर। अशरफ जी अगर मोबाइल आप इस टाइप कर लेंगे तो और क्लियर दिखेगा आपको पिक्चर। हाँ अशरफ जी आप अनम्यूट कर लीजिए। सर अनम्यूट हो जाइए फिर से। जय आरसीएम। महेश्वर पाठक सर। जय आरसीएम। अब मैं कल भी अपने लिए इंशाल्लाह ऑनलाइन शो दे करूंगा इंशाल्लाह। ये मैंने संकल्प लिया। बहुत बढ़िया सर। महेश्वर पाठक सर। पहले भी हम ऑनलाइन मतलब पोता के लिए जो है टी शर्ट और पेंट मंगाए हैं और अपने लिए भी, और मैं संकल्प लेता हूँ कि पहले प्रोडक्ट जितने हैं उसको टीम में जानकारी दूंगा और जो पसंद लगे उसको ऑनलाइन मंगाने के लिए काउंसलिंग करूंगा और महीना में 2 प्रोडक्ट ऑनलाइन मैं अवश्य मंगाऊंगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। सुनीता दीदी। सुनीता दीदी आप आए अनम्यूट कर लीजिए। हाँ सर, जय सिंह सर। मैंने भी 5 ऑर्डर किए हैं ऑनलाइन जो मुझे टाइम पे मिल गया और अभी भी आज मैंने 3 ऑर्डर लगा दिए ऑनलाइन जो आ जाएंगे काफी जल्दी। और आशा मैं हर वीक में मैं संकल्प लेती हूँ कि हर वीक में मैं 2 प्रोडक्ट ऑनलाइन लगाऊंगी। बहुत बढ़िया दीदी। किशोर जी। सर जयर सिंह। तो सर ये तो ऑनलाइन का सिस्टम काफी दिनों से लेकिन सर इसको मैं फोकस नहीं किया हूँ सर। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि मैं भी खुद ऑनलाइन का सामान मैं परचेज करूंगा और टीम को भी सर काफी बारीकी से इसके ऊपर फोकस करूंगा सर, हर एक डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करने के। थैंक यू सर। रशीद जी। सर मैंने भी संकल्प लिख लिया। संकल्प लेता हूँ कि इस हफ्ते एक ऑर्डर जरूर करूंगा और हफ्ते में 2 डाउनलाइन से बात करूंगा इस संबंध में। बहुत बढ़िया सर। महादेव बर्मन जी। नमस्ते। जय श्याम सर। सर मैं पिछले मैं 2018 साल से मैं ये ऑनलाइन खरीदारी करके करने का मेरा ये आदत है और मैं सभी को सर ये ऑनलाइन खरीदारी करने के प्रेरित करूंगा और मेरा लाइफलाइन मेरा आज ये प्रोग्राम देख रहा है और सभी मुझे सहायता के लिए जो करना पड़ेगा मैं उसे पूरा तैयार करूंगा और सर मैं हर महीना 10 एसोसिएट बायर को मैं ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए मैं कन्वर्ट करूंगा सर। जय सिंह सर। बहुत बढ़िया सर। नरेश नागर सर। जय सिंह सर। मुझे ऑर्डर करना था, बिटिया जानती है, करती रहती है और मंगाती रहती है और अधिक संकल्प लेता हूँ कि जो कमियां रह रही होंगी उनको और पूरी करूंगा। मैं ये संकल्प लेता हूँ। बहुत बढ़िया सर। सर सभी का हो गया है। बहुत बढ़िया। आज हमको एक नया खजाना मिल गया है, एक व्यापार का बहुत बड़ा नया अवसर मिल गया है तो ये एक बहुत अच्छी प्रोग्राम की का ये चेन एक चल रही है जिसमें हमें कल हरित संजीवनी के रूप में मिला, परसों न्यूट्रीचार्ज कपिल कपूर ने न्यूट्रीचार्ज के वो न्यूट्रीचार्ज डीए सॉरी वेज ओमेगा के बारे में बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, वो एक नया अवसर मिला। इस तरह से अवसर तो मिल रहे हैं, अभी अवसर को अगर हम काम में नहीं लेंगे तो वो तो फिर हमारी इच्छा की बात है। जिन भी साथियों को अभी भी लग रहा है कि ऑनलाइन का पता नहीं क्या सिस्टम होता है कैसे क्या है तो एक बार ट्राई डिस्कस तो करें कम से कम, किसी जाके समझने की कोशिश करें, डरे नहीं, मन में केवल किसी भी काम को करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारे को व्यापार करना है, व्यापार में तो आगे रहना पड़ता है, पीछे रहने से तो व्यापार नहीं होता है। तो सब साथियों के संकल्प हम यहाँ नहीं सुन पाए हैं पर एक बार सभी साथी ऑनलाइन ऑर्डर के सिस्टम को समझें। पुनः मैं दोहरा देता हूँ
आप अपने कोड से डायरेक्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, आपको पीयूसी के थ्रू, पीयूसी के पास जाकर, पीयूसी या अंडरवर्ल्ड के पास जाकर वो ऑर्डर करना है, उनके थ्रू वो करवाना, उनसे करवाना है, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो। पर सिस्टम अवेलेबल है, आराम से काम करता है, इसको समझें, जरूर समझें, तो आज के दिन का हम अच्छा सदुपयोग कर पाएंगे। और इसी तरह से हम संकल्प की ताकत को हमें समझना है। जो भी संकल्प ले रहे हैं हम डायरी में जरूर लिखें, नहीं तो आज आपने लिखा कि मैं 5 को प्रतिदिन ऑनलाइन के बारे में बताऊंगा, कल आपने लिखा कि मैं 5 को किस सोल के बारे में बताऊंगा, परसों आपने लिखा कि मैं न्यूट्रीचार्ज यू के बारे में बताऊंगा, उससे पहले आपने लिखा कि मैं न्यूट्रीचार्ज किट्स के बारे में बताऊंगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे पास होती जा रही है, तो लिखने से क्या होगी, हम सारी को कर पाएंगे, सारा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। भाई ऐसे 5-5 करते करते कितने हो जाएगी, महीने में 50 हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे, तो हम विधिवत करेंगे तो सारे हो सकते हैं ना। क्या 200 लोगों से बात नहीं कर सकते महीने में, आराम से कर सकते 30 दिन में, तो एक दिन में बहुत सारे 10-12-16 घंटे होते हैं काम करने के, तो वो सारी चीजें हो तो सकती है, लेकिन लिखे बिना नहीं हो सकती। लिखेंगे नहीं तो इतना कभी भी नहीं हो पाएगा, कभी एक करेंगे तो हम दूसरा भूल जाएंगे, दूसरा करेंगे तो हम तीसरा भूल जाएंगे। तो इसका उदाहरण जो है लखन यादव जी मेरे ख्याल से दिखाना चाह रहे हैं कि वो कैसे उनकी डायरी काम कर रही है, कितनी उपयोगी हो रही है, तो एक बार उनका अनुभव सुनते हैं, संकल्प की डायरी क्या काम करती है। आज और मैंने 5 के लिए नोट किया है तो उसमें प्लस हो जाएगा, तो 93 करीब हो जाएगा सर। बहुत शानदार सर, इसका दोनों का कंपटीशन इतना बढ़िया हो रहा है, प्रोडक्ट का नॉलेज। भरान में संकल्प हो चुके हैं आपके, वेरी गुड, 93 सर, 5 आज के हैं, 93 और 88 हो गए, हाँ 80, तो 100 संकल्प ऐसे लगता था कि 100 संकल्प कैसे पूरे होंगे, 100 तो बहुत ज्यादा होते हैं, अभी ऐसा लग रहा है कि 100 तो बहुत जल्दी हो जाएंगे, फिर तो आप 200 की ओर बढ़ना पड़ेगा। तो 100 संकल्प तो 93 हो गए, वो अच्छी बात है, पर सब पे काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, ये जानना है, सब साथियों को ये बताओ, ऐसा तो नहीं कोई छूट रहे। जैसे बहुत सारे संकल्प सर मेरा महीने में 5 बार है, सप्ताह में 2 बार है, और कुछ है डेली के जैसे हैं, तो जैसे जैसे संकल्प है उसको मैं डायरी में नोट करके उसके हिसाब से ही वर्क कर रहा हूँ। तो एक साथ सबको तो नहीं हो पाता है, लेकिन वो पूरा हो जाता है जो महीने, ज्यादातर महीने वाले हैं, महीने में 8 दिन है, महीने में 7 दिन है, इस टाइप के संकल्प बहुत सारे हैं जो आपने 52 नोट कराए थे, उसको अपने हिसाब से उसको भरना था। आपने बिल्कुल वो सही सिद्ध कर दिया, मुझे तो ये कैलकुलेशन शुरू से ही पता है कि आप खूब सारे संकल्प लो, आराम से सिस्टमेटिक वे में पूरे कर सकते हैं, सिर्फ एक आपकी उस डायरी को देखने की आदत होनी चाहिए प्रतिदिन, और उसके हिसाब से रोज का टाइम टेबल, भाई जो महीने में 5 बार करना था उसमें से आज मेरे पास टाइम है तो चलो उसको एक बार आज कर लेता हूँ, ऐसे टाइम टेबल बना के आप आराम से सारे संकल्पों को पूरा कर सकते हैं। और ये संकल्प बनाए आपने बहुत अच्छे से जो बिजनेस के लिए जरूरी हो, और उन संकल्प को पूरा कर लिया तो यही असली कार्य है बस, फिर आप समझ लो आप बिल्कुल सही दिशा में बढ़ना शुरू हो चुके हो। संकल्प बनाने में कमी नहीं रहनी चाहिए, कि कोई जरूरी गतिविधि है आपने बनाई नहीं तो फिर वो छूट जाएगा। तो संकल्प अच्छे से बनाने और पूरे करने की प्रैक्टिस, दो चीजें पकड़ ली तो आप बहुत बड़े उद्योगपति बन गए हो, उसकी तैयारी है हो गई, बस ये समझ लीजिए। थैंक यू सर। सर आज हमारे बीच में श्याम अग्रवाल सर हैं, बिल्कुल बुलाइए उनको। तो एक श्याम सर आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी और टीसी सर को प्रणाम। मैं सबसे पहले अपने संकल्प की बात करता हूँ। वैसे रायपुर में आरसीएम बाजार है, डिपो है, तो लगभग काफी सारी चीजें मिल जाती है, फिर भी मेरा संकल्प है कि हर महीना ऑनलाइन में कुछ न कुछ अपने आरसीएम बाजार के माध्यम से ऑर्डर करेंगे। ये मेरा पहला संकल्प है।
दूसरा ये सर कि हमारी टीम के जितने भी टेक्निकल्स हैं, मैं सभी से पर्सनली अपने टच में मेरे रहते हैं, सभी से मैं इस बात का संकल्प लेता हूं कि उनसे भी मैं यही बात संकल्प लेने के लिए कहूंगा कि आप भी हर महीना कुछ न कुछ ऑनलाइन ऑर्डर अपने लिए और टीम के लिए करवाएं, और वैसे ही फिर रॉयल्टी के लेवल पे टेक्निकल के माध्यम से और मेरे जो डायरेक्ट टच में हैं इन सभी को हर महीना ऑनलाइन का कुछ न कुछ वो परचेजिंग खुद करें और टीम को करवाएं। ऑनलाइन की पावर के बारे में सर मैं बिल्कुल, क्योंकि मैं रायपुर में रहता हूँ, मुझे पता है कि यहाँ का जो वातावरण है, अभी हो सकता है कि गांव में लोगों को ऑनलाइन की पावर शायद थोड़ी सी कम समझ में आ रही होगी, लेकिन जितने बड़े 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 शहर इन बड़े शहरों की में, जैसे मान के चलिए कि अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो ये टोटल टिके हुए ही उम्मीद पे है कि बड़े शहर वाले इनको ऑर्डर करेंगे या कोई ना कोई इनको ऑर्डर करेंगे। तो पूरा एक पैरेलल बिजनेस, यानी कि हमारा जो आरसम का बिजनेस है, अभी हम फिजिकली इस पे काम कर रहे हैं, हम पिकअप सेंटर जाते हैं, वंडरवल जाते हैं, वंडरवल क्विक जाते हैं, फिजिकली लेते हैं, और इसके ही पैरेलल पूरा एक हमारा एक एम्पायर खड़ा हो सकता है जो बहुत इजी है। थोड़ा एक चीज में सर पावर अप एक्सेसरीज बताना चाहूंगा, जैसे मैं एक साइकिल लिया मैंने अभी, तो साइकिल थी 13,000 की, उसकी जो एक्सेसरीज आई वो आई 4,000 के आसपास की। तो ये एक्सेसरीज की पावर है कि हमारे जो डेली यूज के जो प्रोडक्ट्स हैं, वो हो सकता है कि हम कभी कितना लेंगे कितना नहीं लेंगे, लेकिन एक्सेसरीज में और अगर हमने शुरुआत कर दिया ऑनलाइन, और ऑनलाइन भी बड़ा एक रोमांच है, मतलब अगर हम इसको ऑर्डर करते हैं, जब हम पीयूसी जाएंगे, वंडरवर्ल्ड जाएंगे, वंडरवर्ल्ड क्विक जाएंगे, तो वहां पे चीजों को ऑर्डर करना, फिर जब वो आता है तो जैसे कहते हैं ना खुशियों की होम डिलीवरी, तो बड़ा अच्छा लगता है। हम इसको यूज करते हैं और पीसीपी भी बढ़ता है और घर में खुशियां भी बढ़ती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ऑनलाइन की पावर को बताया। और सर आप शायद और भी फोर लीडर नहीं दिख रहे हैं कोई भी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, रिक्वेस्ट करते हैं श्याम सर को की मीटिंग का समय भी हो गया है।